राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है खरीफ की फसल, और राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर में। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर गेहूं उत्पादन होता है। राजस्थान में जो रबी की फसल का राजस्थान में जो रबी की फसल के खाद्यान्न का मुख्य स्रोत है, यानी कि रबी की फसल है, वो कौन सी है? गेहूं। गेहूं रबी की फसल में आती है। और राजस्थान की खाद्यान्न की फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सी चीज है वो खाद्यान्न की फसलों में उत्पादित होती है? वो होती है हमारे पास में सबसे ज्यादा है वो राजस्थान में बाजरा है, वो सबसे ज्यादा राजस्थान में पैदा होता है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो जयपुर में सबसे प्रसिद्ध मीनाकारी गहने हैं वो जयपुर में बनाए जाते हैं। निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर है सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा शहर है सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक? चित्तौड़गढ़ में सीमेंट सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोल्ट्री की वस्तुकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्लू पोल्ट्री का पर्सिया से हुआ है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोल्ट्री का दस्तकारी का उद्योग है वो पर्सिया से हुआ है। और राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की सफाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो वो है सांगानेर। सांगानेर बेल बूटों की सफाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, तो सबसे प्राचीन जो संगठित उद्योग है राजस्थान का वो है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? तो राजस्थान में जलमार्ग है वो परिवहन के साधनों के अंदर नहीं आता है, यानी इस तरीके का कोई साधन नहीं है राजस्थान के अंदर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय है वो जयपुर में है। और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा जो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH3 है। और रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? रावदेव हांडा, उन्होंने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी है वो कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में है। तो अच्छा प्रसिद्ध स्थान है फलोदी। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ है? ग्रीष्मकालीन माउंट आबू में जाकर रह सकते हैं। राजस्थान के पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? ये जयपुर में है। राजस्थान के पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? जैसलमेर का प्राचीन नाम है माड़। और जैसलमेर नगर के संस्थापक कौन है? राव जैसल है जैसलमेर नगर के संस्थापक। आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ था? आमेर का किला हुआ था 1150 ईस्वी में ये निर्मित हुआ था। उदयपुर में स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? उदय कुंभलगढ़ का किला है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। प्रसिद्ध सांवर झील राजस्थान के किस जिले में आती है? जयपुर जिले में। और ईसर लाट है, ईसर लाट है वो जयपुर में है। भरतपुर के संस्थापक हैं वो राजा सूरजमल है, भरतपुर के संस्थापक। और ढाई दिन का झोंपड़ा है, ये ढाई दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर के अंदर है। राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा भेड़ पाई जाती है? तो भेड़ है वो जोधपुर में पाई जाती है। दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1973 के अंदर। किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान वायद का अधिकार रखता है? तो ऊंट राजस्थान में ज्यादा है। राजस्थान स्टेट साल वर्कर्स उपक्रम कहाँ है? ये है डीडवाना के अंदर। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ विकसित किए गए हैं? कांच निर्माण उद्योग है वो दौड़ में विकसित किए गए हैं। फिर है।
कांच निर्माण उद्योग के बारे में है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, तो सबसे आर्द्र जिला है राजस्थान का वो है झालावाड़। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर वो है गुरु शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो कौन सा स्थान है राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है, तो पुष्कर जी है वो तीर्थराज के नाम से विख्यात है। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला वो है चूरू, चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी जिला कौन सा है, लंबा जिला है जो लंबी नदी है, ये लंबी नदी है चंबल। और राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा भूभाग पर रेतीली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है।